हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुमा हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। इस कुरान करीम की आयत को और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को अगर आप बनजर गौर तवज्जो के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं तो ये बात हमें अजहर का शख्स नजर आ जाती है कि ईमान नमाज से नहीं बनता, ईमान रोजे से नहीं बनता, ईमान के लिए मयार पे कायनात ने सदका को खैरात को नहीं करार दिया, बल्कि ईमान के लिए एक ही मयार कायम किया गया है और वो मयार है इश्क और मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस शख्स के अंदर, जिसके दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत है वो सहज ईमान है, और जिसके अंदर ये मोहब्बत का ताल्लुक और इश्क का ताल्लुक मुस्तफा की जात से नहीं है, ईमान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये बात समझने के लिए आप देखिए कि कच का मन का चेहरे का मुस्कान और कीमत लाखों में होगा। वजह क्या है कि वो कच चमकदार होगा, बजाहिर सूरत लगना दिखाई है और हीरे के अंदर जब आग आया है और उस आग ने उस कच की फसल को ऐसा हीरा बना दिया इंसान की शक्ल का बना दिया गया, खूबसूरती लाजवाब है, नजर देखे तो हुस्न और जमाल का बेहतर लगता है, लेकिन जब आप जाकर उसे हरकत देते हैं तो हरकत नहीं कर सकता। बन तो गया पर हरकत ना कर सका, आप हिलाएं तो हिलता नहीं, आप चलाएं तो चलता नहीं, भाई इंसान की सूरत है, हाथ भी बने हैं, पांव भी बने हैं, जिस्म सारे का सारा वजूद, लेकिन हरकत नहीं। वजह क्या है कि हरकत उस वक्त नहीं कर सकता जब तक उस रूह के अंदर और रूह लगा ली जाए, उस वक्त तक हरकत न कर सकेगा। समझ जाओ कि जब तक इंसान के अंदर इसके मुस्तफा की और रूह इंसान से नहीं, ये बात याद रखें। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उर्सिल सुइल अल के काफा, मुझे तो रब्बे कायनात जल्ला जलालहु ने अपनी सारी मखलूक के लिए रसूल बना कर दिया, और मुस्तफा करीम की जात तो वो जात है कि जिसके साथ इंसान को दूर की बात है, हुजूर के साथ अगर किसी पत्थर ने भी प्यार किया है तो रब्बे कायनात ने उस पत्थर का भी बेड़ा पार कर दिया, उस पत्थर का बेड़ा भी पार कर दिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर के साथ कैसा इश्क करते थे, हुजूर के साथ कैसी मोहब्बत करते थे। आज तो हमने हुजूर की जात को चुराहों पर बैठकर अपने मजलिसों का मौजू बना लिया, कोई बैठकर हुजूर की ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर काम करता नजर आता है, कोई हुजूर की शान और अज़मतों को अपनी अकल की कसर पर नजर आता है। अरे रब्बे कायनात के महबूब के गुनाहों मेरे करीम अपनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मापने के लिए तुम्हारे पास पैमाना कहां है,
और फिर जब अकीदे के मुस्तफा को अबू बकर ना जा सका, और मेरी और तेरी क्या मजाल है कि हुजूर की आदमी को कब की मस्जिद पर पर करते हैं। सहाबा की बारगाह से हमें ये नहीं मिला, किसी सहाबी की मजलिस में ये मौजूद है रबास नहीं आया कि हुजूर को अल्लाह ने कितना इल्म दिया। अगर आया तो उलमा मुझे बताएं किसी मजलिस में सहाबा इकराम को ये गुफ्तगू करते हुए नहीं सुना गया कि हुजूर को कितना इल्म दिया गया है और कितना नहीं दिया गया। जब सहाबा इकराम ने इस बात को मेरे पास बनाया और फिर मेरी और आपकी क्या हकीकत है कि हम आज चौराहे पर बैठकर हुजूर के इल्म की बात करें, हुजूर की अज़मत की बात करें, हुजूर की शान की बात करें। सहाबा ने तो हमें यह बताया है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत इतना करो कि कायनात देखकर दम रह जाए, और वह भी मसूद काफिर था या हुजूर की बात कर रहा है। हुदैबिया के मकाम पर कतल कर देता ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब तलब कर गया, मुशरिकीन ने मक्का ने पूछा चेहरा बदला हुआ लग रहा है, कामयाबी पाई है या नहीं आई है, कहने लगा आपकी इज्जत की कसम कैसे हो इशरा और सुपर फारू के दरबार में के नजाशी के बादशाह के दरबार में पहुंचा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम जितना प्यार हो तो हुजूर के अंगूठों को हुजूर से करके देखा है, दुनिया में किसी से बात नहीं इतना तो बंद भाई देख के क्या आया का बताऊं क्या, जब नबी वुजू करते हैं तो सहाबा पानी भी जमीन पर नहीं गिरते। हमें तो यह सबक हुजूर की बारगाह से दिया गया, किस किताब में लिखा है? कुरान करीम की किसी आयत में नहीं लिखा था। मेरे सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया था कि मेरे वुजू का पानी ना गिरने देना, लेकिन ये इश्क मोहब्बत है सहाबा की, ये सहाबा का इश्क था कि हुजूर वुजू करते हैं पानी का कतरा जमीन पर ना गिरता। ये मोहब्बत किसने बताया था? और सहाबा क्या समझकर मिलते थे वो सहाबा ही जानते, हुजूर का लाबे दहन क्या समझकर अपने सीनों पर मिलते थे वो तो सहाबा ही जानते, हुजूर के वुजू का पानी क्या समझकर अपने सीने पर सहाबा के लिए हिकमत के दरिया कैसे खुले। एक एक सहाबी को हजारों हदीसें कैसे याद हो, एक एक सहाबी को एक एक ताजदारी कायनात की बात कैसे याद रही, ये हिकमत के खजाने से खुलते थे, ये मोहब्बत मुस्तफा से खुलते थे, और सहाबा के ऐसे खुले कि फिर आसमान दुनिया के वो ऐसे तरखशीदा सितारे बने कि जमाने के कुतुब कब्दान अपनी कुतुबियत को हुसैनियत के लिए अगर मिला तो सहाबा के कदमों में पांच चलो खाक पर भी ना पहुंचे। वो क्या था, वो मोहब्बत क्या थी, आइए आपको दिखाता हूँ उस मोहब्बत की झलक। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर पकड़ बसे हिजरत फरमाकर बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम तबरानी ने इसे तफसील के साथ नकल किया है कि ताजदार कायनात जब मक्का पर पकड़ बसे मदीना पहुंचे तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जुमा की इब्तिदा फरमाई। सहाबा कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज जुमा जब पढ़ाना शुरू की तो एक खुश्क दाना था खजूर का, सूखा हुआ जला हुआ, अल्लाह करीम के प्यारे महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होकर खुतबा देने लगे हुजूर के सिटे के लिए हुजूर के आराम के लिए उसे खड़ा कर दिया, क्योंकि सादगी का जमाना था, इस्लाम का इब्तदाई दौर था, खड़ा कर दिया। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खुश्क तने के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते, कुछ अरसे तक वो तना
ساجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رہی. اب وہ لکڑی کا بے جان تھا جاندار, اور یہ سارے جاندار نہیں تھا, اپنے اندر زندگی نہیں رکھتا تھا, زندگی کی رنگ نہیں رکھتا تھا, وہ بے جان تھا, لیکن وہ بے جان ہو کر بھی مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا. وہ بے جان ہو کر بھی, وہ مردہ ہو کر بھی اسی سے عشق کر بیٹھا, اور جب وہ مردہ ہو کر اس کے مصطفیٰ کی شان کوئی اپنے دل میں جلا لیتا ہے تو رب کائنات اس مردے کو بھی نسبت مصطفیٰ سے زندگی عطا کر دیتا, زندگی عطا کر دیتا ہے. وہ تنا بے جان تھا, حضور سے عشق کر بیٹھا, حضور سے محبت کر بیٹھا, تاجدار کائنات کی ایک خادمہ تھی, ان کا ایک غلام تھا, بڑی تھا, انہوں نے اسے حکم دیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, حضور تھک جاتے ہیں, تاجدار کائنات کے شایان شان نہیں کہ خشک تنے کے ساتھ حضور پیک لگائیں, میرے حضور کے لیے ممبر بنا دو. المختصر یہ کہ ممبر بن گیا, آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ممبر کو پسند فرمایا, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اس ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے کے لیے, تاجدار کائنات کا ممبر پر پہنچنا تھا, صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بے جان لکڑی کا تنا جس میں جان نہ تھی, جس میں زندگی کی رنگ نہ تھی, لیکن جب اس کے مصطفیٰ نے ممبر بنا چاہا رب کائنات نے زندگی دی عطا کر دی, اور مہر کا شریف دی عطا کر دی. تکبیر اس کے مصطفیٰ کا اگر سینہ دینا ہے
तो मुझे जन्नत में लगाइएगा। ताजदारे का इनाम न फरमाया, हमने उसे जन्नत में लगा दिया। और फिर जन्नत में जब हमने लगा दिया है तो जन्नत के बाबू कफन हर जन्नत में जाने वाला खाएगा, लेकिन जो हमने लगाया है उसका फल तो जन्नत में जाकर सिर्फ अल्लाह के वली ही खाएगा, उसका फल फिर सिर्फ अल्लाह के वली खाएंगे, औलियाए कामिलीन खाएंगे, ताजदारे कायनात के गुलामों। अगर एक दस्त हुजूर से मोहब्बत करके दस्त मुस्तफा की शफकत भी पाता है, मुस्तफा उठकर उसके लिए दस्त शफकत रखने के लिए भी जाते हैं, और फिर मुस्तफा उसे उठाकर जमीन की बस्तियों से आसमान की बुलंदियों और जन्नत का दरख्त बना देते हैं, तो जो गुलाम मुस्तफा भी हो, हुजूर का कलमा भी पढ़ता हो, हुजूर की मोहब्बत में तड़पता भी हो, अल्लाह के महबूब करीम उसे क्या इनाम अता फरमाएंगे। और दूसरी हदीस मुबारक, करीमा अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर तशरीफ ले जा रहे थे, वो पहाड़ सामने आया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ओद हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। पत्थर तो ले जा रहे अल्लाह के महबूब, इसमें तो जान नहीं, फरमाया जब तुम्हारा मामला हो, पत्थर का मामला हो तो बेजान है, लेकिन उसी पत्थर को जब रिश्वत के मुस्तफा मिल जाए तो फिर पत्थर में भी जान आ जाता है। हुजूर उस पर तशरीफ लेके वो चूमने लगा, अल्लाह के महबूब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके दिल में रोशन हो जाती है, उसकी कायनात ही रोशन हो जाती है। वो इसके मुस्तफा जब सदीक अकबर के दिल में आता है तो वो अबू बकर को सदीक अकबर बना देता है। वो जब उम्र फारूक के दिल में इसके मुस्तफा की चिंगारी आती है तो फारूक के आजम बना दिया जाता है। वही इसके मुस्तफा की चिंगारी उस्मान के दिल में आती है सुंदरैन बना दिया जाता है, अली के दिल में आती है तो शेर खुदा बना दिया जाता है। वो मोहब्बत जब बगदाद पहुंचती है तो अब्दुल कादिर को पीराने पीर बना दिया जाता है, जमाने का औस बना दिया जाता है। वो चंगारी जब लाहौर के दाता अली हजमेरी के सीने में आकर गोचर होती है तो दाता अली हजमेरी को दाता बना दिया जाता है, मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बना दिए जाते हैं, और फिर मोहिनुद्दीन का सीना जब उस चंगारी से रोशन होता है, हम तो तबलीग मेरी तबलीग तेरी तबलीग घरवाली ने मानी न बन सकी, बच्चे बागवान न माने न बन सके, लेकिन जब ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती के दिल में इसके मुस्तफा की वो चंगारी रोशनी करती है तो फिर मेरे तेरे खड़े हो महीना के एक निजाम होता है तो नबने ना हिरुला इना इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक निजाम ही बना दिया जाता। वो मोहब्बत की चंगारी इसके मुस्तफा की चंगारी मुख्तसर करता चला जाऊं, किधर किधर जाती है उधर उधर कमाल करती जाती है। जेहलम की सरजमीन पर इश्क मुस्तफा की चंगारी रोची हुजूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोहम्मद असलम नक्शबंदी कुद्दस से रूह के ऐसा मुनव्वर कर दिया कि फिर मेरे ख्वाजा की जिधर निगाह उठती है उधर 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 जिधर जिधर जाती है तो यूरोप की सरजमीन है तो सीधे नूर से मुनव्वर दरबार अल्लाह।
والے نے ڈالیاں والے میرے مرشد کے پاک آستانے کی جگہ کا نام ہے جیلم میں میرے مرشد ڈالیاں والے نے جسے وقت نور دے نالے نے امید کرما والے نے جدھر جدھر اونچتی ہے تباہ کر دیا جاتا ہے سینے منقل کر دیے جاتے ہیں اس مرز مامن نے یورپ کی سرزمین پر جب نگاہ اٹھائی اور جہاں پر بسنے والے فقط مال دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے وہاں پر بسنے والے جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے جو اپنے بزنس کے تحت تھے ایک نگاہ مرز مامن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو سوچے کے لیے پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں کبھی دنیا کمانے کے لیے جانے والے اب دین کی تبلیغ کے لیے یہاں آ رہے ہیں اس آثارے کا جشن چراغ ہے وہ نگاہ کبھی گلہار کی سرزمین پر پڑتی ہے کبھی نہریاں کی سرزمین پر پڑتی ہے کبھی وہ جس کی طرف اٹھتی ہے اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن ہوتی ہے ہر سینہ مصطفیٰ کے نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ ان میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی اولاد سے پڑھ کر حضور سے پیار کرو اپنے والدین سے پڑھ کر حضور سے پیار کرو بن ناس اجمعین اور ساری کائنات کے لوگوں سے پڑھ کر زیادہ حضور سے پیار کرو پھر حضور کے پیاروں سے پیار کرو پھر اولیاء کاملین سے ان کے دامن کے ساتھ وابستہ رہو یہ بجلی آپ نے لگائی ہے نا جتنی مرضی کروڑ کی لائٹیں لگا لیں جب تک پیچھے کنیکشن نہیں ہوگا روشنی نہیں آئے گی میرا کنیکشن گلار شریف سے مجھے روشنی آ رہی ہے آپ کا کنیکشن شاہدپور ہے آپ کو روشنی آ رہی ہے اور جب یہ کنیکشن کٹ جائے گا پھر صرف بجلی کے کمیں جگمگاتے ہوئے نہیں بلکہ صرف لگے ہوئے لگ رہے ہیں اس لیے اس کنیکشن کو بہار رکھو روشنی کا مطلب لائٹیں لاگو کی لگا لو پیچھے کنیکشن نہ ہو یہ کنیکشن جب شادپور شریف پہنچتا ہے وہاں سے آگے بڑھتا بڑھتا مدینے تک پہنچتا ہے اور مدینے والے کو تو رب العالمین نے سراج منیرہ کہا ہے کہ ذرا محبوب خود تو چمکتا ہے اور پوری کائنات میں روشنی بھی عطا کرتا ہے جو ادھر رخ کرتا ہے تو میں چمکا دینے والا سورج ہے خود چمکتا ہے جو ادھر متوجہ ہوتا ہے اسے بھی چمکا دیتا ہے پھر کیوں نہ کہوں کہ کروں تیرے نام پر جان فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا مصطفیٰ کروں کیا کروں جہاں نہیں ہوا کبھی